बदल दिया है इन तीनों ने मिलकर पास्ट, अब जेल जाएंगे विवान और चाहत। विवान का ही सब प्लान था, विवान जो है सब प्लान, सब लूप से कैसा निकलना है सब फैसले यहाँ पर विवान ने ही लिए। विवान ने ही सब पास्ट की चीज़ों को रिक्रिएट करने का फैसला किया, सब चीज़ें यहाँ पर वही की। उसके बाद जो है रिक्रिएट करते हुए सेम फील्स के साथ इन दोनों को, करणवीर, ईशा और अविनाश को फैसला लेना था कि गुरु रत्न की जगह उस टाइम पे, उस माइंडसेट पे वो किसी एक का नाम लेते। वहाँ पर जो है अविनाश ने कह दिया है कि मैं आके विव्यान का नाम लेता, विव्यान को जो है यहाँ पर जेल की सज़ा होना चाहिए चाहत के साथ। तो करणवीर भी मानते हैं उस बात को, ईशा भी मानते हैं। करणवीर का कहना है कि देख वो लोग जो है पास्ट का बातें कर रहे हैं, वो काल्पनिक में जी रहे हैं। ठीक है, अगर काल्पनिक की तो है तो हम भी बोलेंगे कि पास्ट में जाके हम जो है फैसला लेंगे। देख आपसी सहमति तो नहीं है, बस एक फैसला इनको देना ही है ना। पहले हम इनको बोलेंगे कि बिग बॉस ने बोला क्या, जब बिग बॉस बोलेंगे हमने फैसला कर लिया है, बिग बॉस को सुना देंगे। अगर इन लोगों ने नहीं माना, इन लोगों ने फोर्स किया, तो बता देना कि ठीक है विवान और चाहत जो है जल जाएंगे। चाहत इसी वजह से, बिकॉज बिग बॉस ने ही बोला था चाहत जाएगी, और जो विवान है वो सेकेंड नाम था, रजत और विवान सेकेंड नाम थे उसकी गुणरत्न के बाद। तो इन्होंने उसी माइंड सेट से जो है विवान का नाम लिया है जेल के लिए। अभी देखते हैं जब ये फैसला सुनाएंगे क्या रिएक्शन आएंगे विवान के, कि विवान जेल को जाएंगे या नहीं।